अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी हुआ क्या, बताओ तो सही मुझे। कुछ बात करनी है तुमसे। लक्ष्मी नॉट अगेन प्लीज, मैं और हैंडल नहीं कर सकता हूँ ये सब। अब तुम्हें फिर से कोई नया झगड़ा शुरू करना होगा, कोई बहस करनी होगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। लक्ष्मी मुझे भी तो समझो एक बार, इतनी अच्छी फैमिली, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं। हाँ तुम, लेकिन नहीं कोई। लक्ष्मी तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलते जा रहा था। सॉरी प्लीज, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। लक्ष्मी प्लीज मत रो, एक बार मुझे भी तो समझो। देखो मुझे ये लड़ाई झगड़ा बहस करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये झगड़े गुस्से में ना मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसे बिहेव कर जाता हूँ जैसे मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मैं बस तुम्हें इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी बात का। तुम हाथ क्यों जोड़ो लक्ष्मी, ये सब मत करो प्लीज। तुम हाथ क्यों? मैंने तुम्हें बहुत बार बहुत कुछ कहा, गुस्से में कहा है, लड़के कहा है, बहुत बार सच्ची बातें कही है, बहुत बार बिना सर पैर की बातें की है, बहुत बार झूठ भी बोला है। लेकिन वो सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वो जरूरी था। लेकिन आज मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो सबसे सादा सच है, सबसे बड़ा सच है। मेरी बारो ऋषि, वो मेरी दुनिया है, वो मेरा सब कुछ, मैं माँ हूँ उससे, और मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ ऋषि, उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो तुम तुम्हारे साथ जुड़ने लगी, वो तुम पर विश्वास करती है, वो तुम्हें डैड बोलती है। मैं अपनी बारों से दूर नहीं रह सकती, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी सह सकती हूँ, बस अपनी बारों से दूर नहीं रह सकती हूँ। और अगर वो लोग उसे ले गए ना तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। अगर बारों मुझसे दूर हो गई ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी जिंदा, सच में। और वो तुम पर भरोसा करती है, वो तुम्हारी सारी बात मानेगी, लेकिन तुम भी उसे मुझसे दूर ले गए ना तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी, बहुत दुखी रहेगी वो। बस प्लीज हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना उसकी सजा बस प्लीज प्लीज मेरी बेटी को मत देना। तुम शांत हो जाओ। जो कुछ भी हुआ है प्लीज बस बारू को मुझसे दूर ले जाकर उसको सजा मत देना प्लीज प्लीज प्लीज। लक्ष्मी देखो तुमने भी गुस्से में मुझे कई बार बहुत सारी चीजें बोली है, बिल्कुल वैसे ही गुस्से में मैंने भी तुम्हें बहुत सारी चीजें बोली है। लेकिन एक सच है जो पता नहीं शायद मैंने तुमसे कहा है या नहीं कहा है, या फिर अगर कहा भी है तो तुमने उस पर विश्वास किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन वो सच ये है कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी खुशियों के आगे मैं भी कुछ नहीं हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये भी जानता हूँ कि तुमने इस दुनिया में, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। मैं यहाँ पे तुम्हारी लाइफ में मुसीबत बढ़ाने नहीं बल्कि मुसीबत कम करने आया हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मेरे यहाँ आने का मकसद एक ही है, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ के ये बताना चाहता था कि पारो की कंप्लेंट मैंने नहीं की है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ की बहुत जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ। प्लीज लक्ष्मी, मेरी बात पे विश्वास करो और भूल के भी ये सोचना बंद कर दो कि मैं हूँ वो इंसान जो तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर करेगा। सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। लक्ष्मी क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच, बट क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हमारे रिश्ते ने कितने उतार चढ़ाव सहे हैं,
कितने उतार चढ़ाव देखे, गुस्सा, प्यार, दूरी, सब कुछ सह लिया हमारे रिश्ते में। लगता हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा ही नहीं था लक्ष्मी। ये जो पति पत्नी का संबंध था, पति पत्नी का रिश्ता था ना, ये लगता है हमें रास ही नहीं आया। हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा था। और आज देखो, इतना कुछ हो गया हमारी जिंदगी में, इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में, उसके बावजूद हम एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे के इतने करीब हैं। शायद यही है हमारा भाग्य। पति पत्नी ना रहकर ही सही, शायद ऐसे तो रह सकते हैं, इस रिश्ते से तो हम आगे बढ़ सकते हैं, दोस्ती के नाते ही आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तुम्हारा साथी? माँ, आपको पता है सब कह रहे हैं आप दोनों, मतलब डैड और आप साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ, एक सच्ची सच्ची बात बोलूं, मुझे भी डैड बहुत अच्छे लगते हैं। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में। माँ, आपको पता है डैड और आप साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे भी डैड बहुत अच्छे लगते हैं। रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस मुझे भी मैं भागू रे। सच्ची? अनन्या मासी, आप इधर आओ ना मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? अरे आप आओ ना मासी, प्लीज। चलो ठीक है, चलो। तुम कुछ कह रही थी मुझसे, मैं तुमसे ऐसा कुछ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसे बचाने के लिए आई थी ना, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। छोड़ो, चल उठा इसे। कोई है? चल उठा इसे। ये बैंकर फोन क्यों नहीं उठा रही? डील साइन करने का टाइम हो रहा और इसका कोई अता पता नहीं। लोगों को मुसीबत से बचाने का बहुत शौक है ना तुझे, चला जा, लड़ मुझसे, देखता हूं कितना जोर है तुझमें। आवाज कैसी थी? छोड़ो मुझे, कोई है? कोई है? बैंकर, बैंकर, बैंकर,
ये ए, रुक। तेरी हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? हाथ कैसे लगाया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सिक्योरिटी, अरे कोई सिक्योरिटी है या नहीं यहाँ पे? क्या हुआ सर? क्या हुआ पूछ रहा था? हालत देखो मेरी वाइफ की। Oh my God, फर्स्ट एड। ये तीन लड़के बदतमीजी कर रहे थे ऊपर, और कोई नहीं था वहां पे, ना आपके वॉचमैन, ना सिक्योरिटी, ना कोई स्टाफ। ये तीनों आवारा लड़के इस होटल में आए कैसे? ये तुम लोग की सिक्योरिटी? प्लीज सर, एक्चुअली मत करो मेरे साथ। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता ना, तो तुम में से किसी को छोड़ता नहीं मैं। सर मैम, दूर हटो, कुछ जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूं, तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो, और अगर ये तीनों दोबारा मुझे यहां दिख गए ना, तो होटल बंद करा दूंगा। सू यू गाइस, निकालो इन्हें। यस सर, उठाओ इनको जल्दी, चलो आगे। सर, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस, यू प्लीज केयर, आई एम सो सॉरी। मैं ठीक बकर, आई एम रियली 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 सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। I'm really sorry. तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी, और मैं नहीं कर पाया, लेट हो गया ना। But I promise you, आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। आज के बाद कोई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। I'm really sorry. कि सब मेरी गलती है ना, मैं तुम्हारी नाक पे वो चटनी लगाता, ना तुम वहां से जाती, और ना ये सब होता। राइट, बट आई प्रॉमिस यू, जिसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, विराट सिंह आहूजा की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की, उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाऊंगा। I'm really sorry. कैसे मुझे तुम मिल गए। देखा पविता जी, मैंने कहा था ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर विराट ने अमृता से जबरदस्ती शादी नहीं की होती ना, तो आग के गोले की जगह एक दूसरे पर फूल बरसा रहे होते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, कोई सांप नहीं है यहाँ, मैंने झूठ बोला था। क्या? हाँ, अरे मुझे इसके साथ रूम में नहीं रहना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्या, इनफैक्ट आफत है ये। अरे यार तुम ही बताओ, ये सिचुएशन है क्या यहाँ पे लड़ाई करने की? नहीं ना, इतनी खराब सिचुएशन है, हम यहाँ पकड़े गए, तुम जैसे आतंकवादी हमारे सामने हो, इतना स्ट्रेस हो रहा है, और ये मुझसे पूछती है कि मैं कब कहाँ गया था, झूठ गिनवा रही है मुझसे, मैंने कब इससे क्या झूठ बोला, क्यों बोला, अरे कोई वक्त है क्या ऐसा बोलने का? हाँ तो तुमने झूठ बोला है, तुमने मुझे झूठ बोला है, और तो तुमने इस आदमी को भी झूठ बोला कि सूर में सांप है, बोल देना तुम। ओह गॉड, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर मैं इसको झूठ नहीं बोलता तो ये रस्सी खोलता? नहीं खोलता। क्यों खोली इसने रस्सी? क्योंकि इसको लगा कि हम मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांप काटेगा, और इसको वो पसंद नहीं है, क्योंकि मारने वाला तो ये है ना, गन है इसके पास, इसको जिंदा लोग अच्छे लगते हैं, मरे हुए नहीं, क्योंकि इसको मारना है उनको। वो जो भी हो,
लेकिन तुमने झूठ बोला और झूठ झूठ होता है आरवी। हाँ तो ठीक है, बोला मैंने झूठ, क्या कर लोगी तुम? हाँ? तुम ना बड़ी शानी बन क्यों, हाँ? तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। Excuse me? अब ये कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आप मेरे लिए? हाँ exactly, मैं अभी से पहले तुम्हें यही कह रहा था, तुम वो शब्द क्या यूज कर रही थी, अभी क्या कर रही हो तुम? तो तुम अब क्यों कर रहे हो, खुद खुद भी तो यूज कर रहे हो। तो मेरी मर्जी, मैं करूंगा, क्या कर लूंगी? तो मुझे क्यों बोल रहे थे? बस 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 बहुत हो गया। अरे भाई तू क्यों बहस कर रहा है, क्यों बहस कर रहा है तू? अरे मेरी बात बता, आज तक कोई औरतों से बहस में जीता है क्या? तू मुझे बता, कभी तू अपनी माँ से बहस में जीता, अपनी बहन से जीता? अरे उनसे तो फिर भी एक मौका होता है जीतने का, लेकिन अपनी बीवियों से नहीं, कभी नहीं, कभी कोई नहीं जीत पाया है, तो तू क्या जीतेगा? अरे आप इतनी प्यारी इतनी भोली, क्यों लड़ रही है आप इसके साथ? अरे इसका तो पहले अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। क्या? उसी के साथ तो आया था यहाँ पर। मैं जानती हूँ उस लड़की को, दोस्त है उसकी, मतलब शादी से पहले वाला कोई प्यार नहीं है, मतलब हाँ करीबी दोस्त है लेकिन सिर्फ दोस्त है। आप कितनी भोली हैं। अरे ये आदमी लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो किस किस से कैसी दोस्ती रखते हैं, किस किस से मिलते हैं, आपको कुछ नहीं पता। देखिए आप ना मेरे पर्सनल मैटर के बीच में मत बोलिए, ये मैटर मेरा और मेरे पति के बीच में है और मैं हैंडल कर लूंगी, मैं सब सॉल्व कर लूंगी, मेरे पति ऐसे नहीं है। वाह वाह तेरी माया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। एक सेकंड, तुम दोनों मेरे साथ क्यों आ रहे हो? हम आपके साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो? तुम लोग पीछे जाओ, वहाँ पे किसी सुरक्षित जगह पे, वहाँ बहुत डेंजरस है, तुम जाओ। हाँ दिया, तुम जाओ यहाँ से, किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। और वैसे भी कोई लड़कियों की लड़ने वाली लड़ाई थोड़ी है, हम है ना, हम दोनों मैनेज कर लेंगे, राइट सर? एक सेकंड, इसमें लड़का लड़की का कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी अंदर गई ना आरवी को बचाने के लिए, और वो लड़की है, यहाँ पर जज्बात जरूरी है, और मेरे जज्बात ये कहते हैं कि अंदर तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है, तुम नहीं जा सकती अंदर। सुनो, तुम इसको किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाओ, इसका ख्याल रखो, ओके? पर क्यों सर, मैं साथ में चलता हूँ ना, मैं हेल्प ही करूंगा सर। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ सर, करना चाहता हूँ सर। पूर्वी मेरी भी तो कुछ लगती है, मेरा भी तो उससे आगे जाकर रिश्ता जुड़ने वाला है सर। एक सेकंड, पूर्वी तुम्हारी? ये मेरा होने वाला पति है, मेरा फियांसे। ओह, तुम आरवी की कंपनी में काम करते हो ना? यस सर। ओके, तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? हाँ सर। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? सर सोहम। सोहम, मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखो, इसको लेके जाओ, और जब मैं वापस आऊं तो तुम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। गुड। एक सेकंड, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम दिव्या। तुम विशाखा बुआ की बेटी की बेटी हो? हाँ, पूर्वी दी की कजन। फिर तो तुम्हें बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सुरक्षित रहना है, ओके? तुम इसको लेके जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां पे कोई खतरा ना हो। पीछे मत आना मेरे। गो गो गो, गो प्लीज गो। पीछे का दरवाजा खोलो, हम आ चुके हैं। अरे हाँ, हम सब आए हैं, बंदूक गोली बारूद असला सब लेकर के आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। चलो
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मम्मी जी मुझे कितनी टेंशन हो गई थी पता है, मैं आपको और करीना दी को सब जगह ढूंढ रही थी, कहीं नहीं मिले तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यही मिल गए। अरे चुप, बंद करो ये अपनी फैमिली गॉसिप। और मैडम जी, आप ये इतनी आसानी से पेपर्स देने के लिए कैसे मान गई? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, हमारे लिए हमारी फैमिली, उनकी सेफ्टी, वो सब प्रॉपर्टी और पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं तुम्हें देती हूँ। That's great. लाओ। पेपर्स लाओ, come on, जल्दी। खेलो। नहीं, आप इसे पेपर्स नहीं देंगी। क्यों? मिस्टर पांडे, आपको ये प्रॉपर्टी पेपर्स चाहिए। ठीक है, मैं देती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि ये पेपर्स आपको क्यों चाहिए। हाँ मिस्टर पांडे, इतना जानने का हक तो बनता है हमारा, तो बस ये छोटे से सवाल का जवाब दे दो। ये पेपर्स मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे देखना है कि इस पे साइन कौन सी डेट पे हुए थे। वरना पता चला मेरे साथ फिर से धोखा हो गया, कहा कुछ और गया और इसमें लिखा कुछ और गया, समझे? और एक बार ये फाइल्स मैं चेक कर लूंगा ना, उसके बाद इन मालकिन जी को चेक करूंगा। मेरा मतलब है इनको कैच करूंगा। आयुष्मान पांडे छोड़ दो इसको। और फिर ये मालकिन ये प्रॉपर्टी मुझे बेच देंगी, मेरे लाए हुए पेपर्स पे साइन करेंगी, और हाँ करण लूथरा के भी साइन लगेंगे एक बैक डेट के पेपर्स पे, और इससे साबित हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी तुमने पहले मुझे बेची थी। और इस तरह मैं तुम लोगों का गेम तुम्हारे साथ ही खेल जाऊंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वो फाइल। और मैडम जी तुम ऊपर चलो मेरे साथ और पेपर्स पे साइन करो, समझी? चलो मूव। अंशुमन पांडे बहुत गलत कर रहा है। अरे छोड़ो उसे। अंशुमन पांडे छोड़ो। चुपचाप ये पेपर साइन कर लो वरना जान से मार दूंगा, समझी?
हैंड्स अप। खबरदार हिलने की कोशिश की, चाकू फेंक। इसके क्राइम का सारा प्रूफ पलकी के फोन पे। पुलिस भागो सब। का मतलब तुम जो ये पेपर्स दे रही थी मेरे साथ खेल खेल रही थी, मेरे साथ शातिरगिरी कर रही थी। शातिरों के साथ शातिर ही बनना पड़ता है। तुम्हारा गेम खत्म अंशुमन पांडे, गेम ओवर। अगर मेरा खेल खत्म तो तुम्हारा भी खेल खत्म। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। लेकर जाती हूँ।
जान गया कि कैसे। मुरली आंखें खोले रखना। हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ। शाबाश शाबाश। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच जानवी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। ये उज्ज्वला मैम मुरली को अपना भाई क्यों बोल रही है? तुम्हारा ये एहसान मैं पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी। तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर। आर्यमान? पर उसका नाम तो मुरली है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। माँ भगवती तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसाए बेटा। तो ये मुरली नहीं आर्यमान बुंदेला है। सर आप इस ट्रेनी को अपने साथ इतना फ्री क्यों होने दे रहे हैं? मैं अमृतसर के ड्राइवर का बेटा हूँ मुरलीधर। मुझे इन्हें कुछ इंजेक्शंस देने होंगे और ड्रिप भी चढ़ानी होगी, तो इट्स बेटर कि इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें। हाँ बिल्कुल। पाप मुझे लगता है कि आर्य को ना हॉस्पिटल ले जाना बेटर होगा। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, वो साधु अभी भी फरार है। वो हॉस्पिटल सिक्योरिटी तोड़कर आर्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अच्छा ये होगा कि हम अपने बेस्ट डॉक्टर्स को यहाँ आर्य को हमारे घर में दिखाएं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यही ट्रीटमेंट करेंगे आर्य का। आराम से। सुरेश बेटा, उस साधु को जल्द से जल्द पकड़ो। आप चिंता मत करिए पापा। मुरली, पुलिस वालों को साथ दो साधु को पकड़ने में। मैं बंगले की सिक्योरिटी डबल करवाता हूं। किसी भी हाल में वो पकड़ा जाना चाहिए। जी I'm sorry, जानवी जी। पर आपको जो लग रहा है वही सच है। जान जान हीरो ठीक तो है ना? उन्हें बताया कि उन्हें वो प्रिंस का मामा है। कितना दूर रहते हो तुम? 40 किलोमीटर में दूर रहता हूँ मैं। ब्रिज सर डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो सीधा होटल आने वाले हैं। What an amazing news! I'm so happy. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, ये कैसा मंदिर है? या ना पुजारी है ना कोई भक्त। डॉक्टर शिव, बीच दोपहर में कोई भक्त थोड़ी ना आता। और पुजारी जी सो रहे होंगे। और कोई भी भक्त ना या तो सुबह आता है या तो शाम को आता है। और हमें उन सबसे क्या मतलब? हमें तो भोलेनाथ से मतलब है और वो तो यही है। डॉगी चलिए आशीर्वाद ले लेते हैं। कार्तिक आ जाओ। चलिए डॉक्टर। एक्सीडेंट मासी, मेरे पप्पी कहाँ भाग रहे हो? ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो रुद्राय। ओम नमो नारायणाय।
नमः ओम नमः चंडिकाय ओम हम हनुमतये नमः। कार्तिक ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मंदिर आके। देखिए ना कितने जोर जोर से घंटियां बजा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है शक्ति, कार्तिक तो इतना लंबा है ही नहीं कि वो घंटियों तक पहुंच सके, तो फिर कैसे बजनी है? कार्तिक, कार्तिक कहीं होगा। कार्तिक चलो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। भोलेनाथ जी, हमारे शिव शक्ति अभी तक वापस क्यों नहीं आए? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस त्रिशूल ने इस कब्र पर कुंजी मार दी है, जब तक ये त्रिशूल यहाँ गड़ा रहेगा ये बाहर नहीं आ सकती। लेकिन आज से 25 साल बाद ऐसे ही पूर्णमासी के दिन जब आसमान में एक साथ सूरज और चांद दिखेंगे, तब तुम्हारे पोते का कोई अंश इधर आया, अगर ये त्रिशूल अपनी जगह से हिला तो बाहर आ जाएगी।
कार्तिक 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 तुम ठीक तो हो ना? कैसा योग बन रहा है डॉक्टर शिव? एक तरफ सूरज दिख रहा है और एक तरफ चांद, ये भला कैसा संजोग है? शक्ति ये सब बातें छोड़ो, फिलहाल चलो यहाँ से, चलो। हाँ कार्तिक। चलो चलो चलो। आज 25 साल का लंबा इंतजार खत्म होता है। समय आ गया है शिव को अपने किए का पश्चाताप करने का, उस अधूरी कहानी को पूरा करने का, एक भूली दास्तान को फिर से जगाने का। समय आ चुका है शिव तेरी बर्बादी का, वो वापस आ रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोसाइटी के 10 रूल्स में से अगर मोंजी ने 3 भी तोड़ दिए तो उनके घर नोटिस जाएगा और फिर मोंजी को ये सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी। सीधी तरीके से तो मोंजी यहां से जा नहीं रहे, तो अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जरूरत पड़े तो मैं पूरा का पूरा हाथ टेढ़ा कर दूंगी, पर मोंजी को यहां से निकलवा कर ही दूंगी उंगली। ये राधा दिमाग आधा समझती क्या अपने आपको? मुझे धमकी दे रही थी कि मुझे घर से निकलवाएगी। इतना कॉन्फिडेंस? अरे मैं भी देखता हूं ना मुझे घर से कैसे निकलवाती है वो। कल तक वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की मां थी, इसलिए मैंने कोई बड़ा बवाल नहीं किया। लेकिन आज आज वो युग की बीवी है, मनन की मां है, कोहली की बहू। कोई रिश्ता नहीं है उसका मेरे साथ। एक्चुअली है, हमारा एक रिश्ता है। दुश्मनी का। तुम्हारे पापा का गुस्सा तो वैसे ही बहुत खतरनाक है ना? गुनगुन, मुझे प्लीज बचा लो ना, प्लीज मुझे बचा लो, अपने पापा से मुझे बचा लो। मुझे ना डर लग रहा है, डर लग रहा है। ये देखो मेरी हार्ट बीट तो देखो, देखो ये देखो, ये देखो कैसे गुजबम आ रहे हैं। मुझे ना टेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मैं क्या करूं, कपाल भाती करूं? मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। अरे पूछो पूछो, हो गया? अरे बेटा तुम्हारा अगर हो गया ना तो तुम घर जाओ। बच्चे ना बच्चों की तरह अच्छे लगते हैं, धमकियां देते अच्छे नहीं लगते। तुमने बताया था ना अपने अब्बा को कि युग ने मनन को स्कूल में कर दिया था बंद। क्या हुआ? बीपीएल हुआ ना, बम पे लात मारी, पोक भगा दिया तुमको। फिर तुम गई रामा के पास। रामा रामा देखो, युग अंकल जो है ना वो असली होडी मैन है। उन्होंने क्या किया, पोक बम पे लात मार के कर लिया ना। अभी भी अगर शांति नहीं पड़ी तो दोबारा कर लो, सुनेगा तुम्हारी कोई नहीं। सोच लो करना है कि नहीं करना। ये सिर्फ आपको लगता है युग अंकल, मेरी बात सुन के ना सिर्फ पापा रामा मुझ पर ट्रस्ट करेंगे बल्कि आपकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद ना वो साथ भी आ जाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
क्या यार योग अंकल, कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया करो। हाँ बिना कितने प्रोटेक्टिबल हो, ये छोटी सी बच्ची आपका प्लान समझ गई। गुड जॉब। हाँ मैं जैसा चाहती थी आप वैसे ही कर रहे हो। आज मैं आपका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी। गुनगुन का फोन। हेलो गुनगुन, सब ठीक तो है? रामा, कोई मुझ पे अटैक करने आया, आप जल्दी आओ। What? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। इबादत अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। मन्नत का अब मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है, मैं उसे भूल चुकी हूँ। फोन नहीं उठा सकते, अम्मी नाराज हो जाएंगी। I'm sorry, मन्नत। मनु कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं। आई होप तुम्हें मेरे और फरहान की शादी की पिक्चर्स मिल गए होंगे। आई होप तुम्हें अपनी हार का एहसास हो क्या होगा। अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश बंद कर दो, मैं फरहान के बिना नहीं रह सकती। ये सब कहने के लिए फोन किया है मनु? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फरहान बहुत अच्छा लड़का है, ख्याल रखता है,
मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मनु, क्या है तुमने अपनी जिंदगी के साथ? खुदा तुम्हें सलामत रखे मन्नू, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाए। मत काटा, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बोल, इसको मैं तो मार डालूंगा। समझी हूँ मैं, समझी? लगा, लगा। एक्टिंग बहुत अच्छी कर ली तुमने, अब एक्शन करते हैं। चल जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है। सर बात तो ये है कि मेरे पीछे पड़ा है, इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि 6 या 25 से मैंने डील फिक्स कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर फाड़ जीवन का रहा हूँ। भागने में बहुत मजा आता है ना तुझे? देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। एक दिन ना ये बुरी यादें, नाम सब मिट जाएगा और तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तक वो दिन नहीं आता, मन्नत के दिए हुए घाव से तुम उभर नहीं जाते, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ अपने दुख दर्द बांट सकते हो सुभान, अपने गम बांट सकते हो। तुम चाहे अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो, जो बात करनी है करो मुझसे। I'm there for you. कितनी फनी हो तुम यार इबादत। क्या मजाक करती हो? मजाक नहीं है सुबह, मजाक है। तेरी जिंदगी के साथ, तेरे दर्द के साथ मजाक कर रही हूं। ये
हमदर्दी का नाटक ना कहीं और जाकर करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, समझे? अब जाओ यहां से, गेट आउट। और एक बात और, ये शादी ना सिर्फ एक समझौता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में कभी इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। ये शादी में सिर्फ दुआ में और इस खानदान के लिए कर रहा हूं। जाने से बहुत सुन लिया तुम्हें, अब और नहीं करूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।